भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक मास के छठे अध्याय की छठे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक मास बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है। यह साक्षात नारायण का स्वरूप होता है और जो कार्तिक माह में प्रतिदिन प्रातः जल्दी स्नान करते हैं और इसकी कथाओं का श्रवण करते हैं उसे महान पुण्यों की प्राप्ति होती है तथा उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष सभी नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है और इस जीवन में उनको सुख सौभाग्य संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपको कार्तिक माह के छठे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनने के पहले आपको भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि प्रभु हमारे सानिध्य में रहे और उनकी कृपा तथा आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिम फुल्लेन देवर कांतिमिंदु वदनम बरहावतन सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभदरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंधावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तिं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वासा कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री राधे रानी सरकार की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छठे अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए कार्तिक महात्म का लिखूं छठा अध्याय। नारद जी ने कहा कि जब दो घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर के जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने का 10 गुना फल प्राप्त होता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दुगुना फल प्राप्त होता है। स्नान के पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आचमनियम आदि देवे।
हे कमलनाथ आपको बारंबार नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम करते हैं, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें, वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहां उन्होंने तीन प्रकार से अपना पैर रखा था, यहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे, हे जनार्दन हे दामोदर हे देव देवेश आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूं, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए, हे हरि कार्तिक मास में व्रत तथा कार्तिक विधि पूर्वक स्नान करने में मैं आपको अर्घ प्रदान करता हूं, आप राधिका सहित इस अर्घ को स्वीकार करें, हे कृष्ण हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान हे पाप नाशक कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो, इसके बाद भगवान विष्णु भगवान शंकर तथा भगवान सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करें, गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके तथा विधवा स्त्री यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करें, सप्तमी अमावस्या नवमी त्रयोदशी द्वितीया दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान करते हुए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए तीन प्रकार का रूप धारण किया था वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए, विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं अतः वह मुझको पवित्र करे, बीजो रहस्यों तथा यज्ञ सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे, गंगा आदि सभी नदियां समुद्र तीर्थ सातों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करे, अदिति आदि नारियां यज्ञ सिद्ध सर्प और सब औषधियां व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करे, इन शब्दों को कह करके स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता ऋषि मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं, तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल करके शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे, समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को अर्घ देवे और भगवान से प्रार्थना करे, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे प्रभु हे नारायण हे विष्णु जी राधा जी के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करो, तत्पश्चात चंदन फूल और तांबुल पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करें, ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ निवास करते हैं और ब्राह्मण के मुख में वेद और ब्राह्मण के सारे अंगों में देवी देवताओं का निवास होता है, अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान कभी नहीं करे और न इनके साथ विरोध करे न इनकी कभी भी निंदा न करे, इसलिए ब्राह्मणों का हमेशा सत्कार करना चाहिए सम्मान करना चाहिए पूजा करनी चाहिए और दान भी हमेशा ब्राह्मणों को ही करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वही अक्षय और अनंत पुण्य फल को प्रदान करता है, अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को सदैव ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए तथा एकाग्र चित्त होकर के भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी तुलसी माता देवताओं ने ही प्राचीन काल में आपका निर्माण किया है और ऋषियों ने आपका पूजन किया है, हे विष्णु की प्यारी तुलसी आपको बारंबार प्रणाम है, हे तुलसी माता हे वृंदा माता आपको बारंबार प्रणाम है, आप मेरे सब पापों को नष्ट करो, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार से सुखों को भोगते हुए अंत समय में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रकार कार्तिक माह के छठे अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, आपने ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद कथा की दक्षिणा या कार्तिक मास में गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान या अन्य कोई भी दान आप कार्तिक मास के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि प्रदान करके अपना नाम गोत्र हमें बता करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।